में हुए फायरिंग कांड को लेकर एक महिला की मौत हो गई। मुरादाबाद पुलिस ने फायरिंग की जिसमें एक 28 साल की महिला गुरजीत कौर की मौत हो गई है। हालांकि ग्रामीण और पुलिस दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग की है जिसमें महिला की मौत हुई है, और वहीं पुलिस का कहना भी ये है कि ग्रामीणों ने पुलिस टीम को बंधक बनाया था। तो इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन में। इसमें जो है जो कुंडा पुलिस को जब पहली बार सूचना मिली थी कि जो है इस तरह की कोई फायरिंग की घटना हो रही है, तो तत्काल जो है कुंडा की पुलिस मौके पर पहुंची। तो मौके पर जी पहुंचकर जो है वो सिपाही तो घायल थे ही उसमें, तो सिपाहियों को तत्काल जो है वो जो ड्राइवर था कुंडा पुलिस का थाने का वो अस्पताल ले गया काशीपुर में एलडी बेट हॉस्पिटल में। लेकिन वहां महिला की भी जो है मौके पर मृत्यु हो गई थी, तो उसको भी जो है जी अस्पताल ले जाया गया है। तो कुंडा पुलिस ने जो है वो काफी तत्परता दिखाते हुए सिचुएशन को, जो वहां बड़ी टेंस सिचुएशन सी लग रही थी, पुलिस और ग्रामीण आमने सामने तो थे ही वहां पर, तो बीच बचाव करके मौके को वहां शांत किया। और जो ये मुरादाबाद पुलिस जो है इनकी एक गलती रही कि इन्होंने जो है वो पुलिस को यदि पहले से सूचित होता तो पन्नू फार्म ऐसा एरिया है जहां पर जो है पहले इस तरह की वारदातें होते रही है, और जो है वो अगर पहले से सूचना होती तो पुलिस बेहतर तरीके से जो ये जफर को पकड़ने आए थे तो एक जी सुनिश्चित तरीके से पकड़ सकते थे। अब के कहीं फैमिली में कहीं पारिवारिक इसमें जाकर दबिश देना तो वैसी खतरा होता है। तो जी उसके बाद जो है ये सारा वाकया हुआ। इसमें जो है वो एक महिला की मृत्यु के पश्चात कुंडा थाने में जो है 302 और जो है 120 बी की एफआईआर लिखी गई, 10 से 12 जो है पुलिस अज्ञात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध। और जो है मेरे संज्ञान में आया है कि मुरादाबाद में भी जो है यहाँ जो सिपाही घायल हुए और जो उनका कहना है कि उनको बंधक बनाया गया, उनके विरुद्ध भी जो है वहाँ मुरादाबाद में एफआईआर लिखी गई है। तो अब ये इसमें हमारी तरफ से 302 जो महिला की मृत्यु हुई है, इसमें जो है एक बेहद गंभीर और जो है वैसा संवेदनशील मामला है, एक महिला की मृत्यु हो जाना दबिश में, और जो है इसमें हम जी लोग बेहद उसको संगीन तरीके से ले रहे हैं, और इसमें जांच चल रही है, फॉरेंसिक टीम और सभी को हम लोग ने इसमें लगाया हुआ है टीमों को। सर, तो ये पूरा जो मामला हुआ है, जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें जो दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि पहले फायरिंग किसने शुरू की, और अगर पुलिस अपना काम कर रही थी तो ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक क्यों बनाया? क्या वजह रही अगर पुलिस अपना काम करने आई थी? नहीं, ये अभी हम लोग इसमें ट्रायल यहाँ शुरू शुरू नहीं कर सकते, यहाँ ये तो विवेचना है, इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ हम लोग अभी जी जो है यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई है, वहाँ पे जो बरामदगी हुई है जो भी खोके कारतूस वेपन्स, तो उससे मामला सामने आएगा कि किस वेपन से चलिए कैसे चलिए, तो ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है सारी चीजें। जी वहीं मुरादाबाद के एसएसपी का ये कहना है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी थी, सूचना दी थी, और इसका एक पुख्ता सबूत भी उनके पास है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो जो भी चीज होती है पुलिस की तो काफी रिकॉर्ड में रहती है, जीडी एंट्री होती है, सारी सीसीटीएनएस की एंट्री होती है, सारा वो होता है। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में अगर उनके पास कोई ऐसी चीज है तो वो देंगे, हम लोग उसमें लगाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। अभी तक तो पुलिस के पास जी, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एसएसपी कह रहे हैं कि पुलिस को उन्होंने जानकारी दी थी, तो वो कहीं ना ठीक है, वो हम कहीं लोग बात को अभी घुमाने की दोनों कोशिश पुलिस कर रहे हैं। आपस में संपर्क में है और एक दूसरे की जो भी जानकारी है वो साझा कर रहे हैं। पुलिस जो है वो कोई हम लोग एंटी ये नहीं है, हम लोग सभी कानून व्यवस्था बनाने में कार्य करते हैं, तो जो है जो भी होगी हम लोग पहले भी समन्वय में थे, अभी भी समन्वय में है, और जो भी है वो जानकारियां होगी या एक दूसरे से साझा की जाएगी इसमें। और जिसकी भी चलिए, गलती ठीक है है, सर। जी जिसने भी गलती की है वो सजा भुगतेंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।